हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानंजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्नो सेटिंग्स के और एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे किसी भी गेम का FPS पता कर सकते हैं। दोस्तों, FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड, जिसके मदद से हम ये पता लगा सकते हैं हमारा जो ग्राफिक कार्ड है या फिर हमारा जो GPU है वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकेंड, जिसके मदद से आपको ये पता चलता है आपका जो गेम है वो आपका PC में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एक गेम का जो ग्राफिक का जो परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर करने के लिए FPS की ज़रूरत होती है, यानी कि फ्रेम्स पर सेकेंड। जैसे कि आपको आपने देखा होगा बहुत सारे जो गेमिंग का रिव्यू करते हैं YouTube में, तो उनका जो वीडियो में एक कॉर्नर में एक नंबर चलता रहता है, वो वैरी करता रहता है, वो है FPS। ठीक है, और ये जो FPS का जो सेटिंग है वो बहुत सारे गेम्स पर बाई डिफ़ॉल्ट पहले से ही होता है और बहुत सारे गेम्स में ये सेटिंग नहीं होता है। तो इसे में आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके PC में, और जिसके बाद आप जो है जान सकते हैं आपका जो गेम में आपको कितना FPS एक्चुअल मिल रहा है। तो दोस्तों, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका जो गेम है उसमें आपको कितना FPS मिल रहा है। तो यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना होगा फ्रैप्स। तो सर्च करने के बाद आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये वाला जो डाउनलोड टैब है यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फ्रैप्स लिखा है, सेटअप 2.4 MB, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप इसको डाउनलोड करके आपके PC में इंस्टॉल कर लीजिए। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको जो है कैसे ऑन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप में यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो ओवरले हॉटकी, यहाँ पे जो F12 लिखा है, तो आप जैसे ही F12 को प्रेस करेंगे तो आपका जो ये एप्लीकेशन है चालू हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि गेम के दौरान आप जो है FPS को बंद कर दें, तो जैसे ही आप जो है F12 प्रेस करेंगे तो ये जो है FPS बंद हो जाएगा। तो आपको इसको ओपन करके मिनिमाइज कर लेना है। तो मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको एक गेम ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काउंटर स्ट्राइक 1.6 है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे दिखा रहा है 60। तो जैसे मैं गेम को ऑन करूँगा यहाँ पे ये वैरी करेगा। तो चलिए मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ, अभी देखिए 34, 35, 36। तो ऐसे ही जो है आपको FPS जो वैरी करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप किसी भी गेम का जो है FPS यहाँ पे पता कर सकते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करके आप यहाँ पे FPS को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए ग्रेट डे।